हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा कि हम जो सफल हों या असफल हों, जो कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, वो है कारण। कि वो सफलता का भी प्रमुख कारण बनेगा और वो असफलता का भी प्रमुख कारण बनेगा, उसको आप थोड़ा समझेंगे। और मैं इस विषय को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हूँ, क्योंकि मुझे जब ये बातें समझ में आई तो मुझे लगा जल्दी से जल्दी आप तक ये बातें पहुँचानी चाहिए, मेरे युवाओं, मेरे साथियों, मेरे भारतवासियों। अगर ये बात अगर हम समझ लें तो किसी भी देश को जो है हम जो है पीछे कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम जो है अपने देश को एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो बात आती है कि कहीं ना कहीं हमारे भारतवासियों के, और जैसे चाइना है, जापान है या अमेरिका है, अन्य जो देश है, हमसे क्यों आगे हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बिजनेस में आगे हैं, उनकी इकोनॉमी है, और एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो एजुकेशन उनके पास है। ऐसे बहुत से कारण मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि चाइना के ऐसे प्रमुख ऐसे 28 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसके कारण वो जो आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं हमको समझ में आया कि हम पीछे क्यों रह गए। तो वो मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, कब तक आप तक पहुँचाऊँ, आप इसको ज़रूर कमेंट्स करके बताएँ। लेकिन आज एक छोटा सा बिंदु जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कारण, कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो काम कारण से होता है। अगर मन में एक लॉ जलती है, एक डिजायर जलता है, द बर्निंग डिजायर होता है हमारे पास कि हमें वो काम करना ही है, क्यों करना है, तो वो कारण से होता है। लेकिन हमने उस कारण को बदल दिया। हम जब सफल हुए तो हमने एक कारण बता दिया, लेकिन असफल हुए तो उस समय भी एक कारण होता है, उस कारण पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये मेरे आज का जो क्लू है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीर विषय है, इसको आप समझेंगे तो। और अगर कोई बात आपको समझ में ना भी आए तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि काम कारण से होता है, जब सफलता मिलती है तो उस कारण को हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, बता पाते हैं, इस कारण से मुझे सफलता मिली। लेकिन असफल हो गए तो उस असफलता का सबसे बड़ा जो कारण है, उस कारण पे हम ध्यान नहीं दे पाते, या हम ग्रो नहीं कर पाते किसी काम के प्रति, हम लगातार जो नहीं लग पाते, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उस असफलता का सबसे बड़ा कारण वो वायरस, वो कौन सा कारण है मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो वो सबसे बड़ा यह कारण है कि जो हमने जो असफलता का कारण है, वो हमने पहली बात तो उंगली दूसरों की तरफ उठाई, परिस्थिति को उठाई कि मेरे या ये परिस्थिति पड़ गई, मुझे ये परिस्थिति हो गई, या कि ये कारण पड़ गया, जो कारण हुआ, दूसरों की तरफ उंगली उठाई। पहली बात तो हम 100% जो है सफलता की या असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते। और यदि हम 100% असफलता की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, तो सीधी सी बात है कि आप जो है किसी दूसरे की तरफ इंगित होंगे, फिर वहीं पर शुरू होता है अंधविश्वास का खेल, और वहीं पर शुरू होता है जो है भाग्य भगवान और लक के भरोसे जो हम बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं जो है फिर हम मुहूर्त या जो भी यज्ञ हवन या विभिन्न प्रकार की आडंबर जो प्रथाएं हैं, उसके प्रति हम जो आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको माने या ना माने, ये धर्मनिरपेक्षता का विषय है और ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है। आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी उसको माने, आप ईश्वर को माने, किसी भी पंथ को माने, कोई बात नहीं, आप मानिए, लेकिन आप उनके भरोसे मत बैठिए। आपने एक दशरथ मांझी की फिल्म देखी होगी, उनके जीवन को प्रेरणा जो है लोगों तक पहुँचाई जाती है, और वो कहते हैं कि आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो इस तरह से जो चाइना है, जापान है, अन्य जो देश हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका मैंने जब एक कारण ढूंढा तो उनके पास ये है कि वो किसी भी तरह से इनके भरोसे नहीं रहते। हम जो है शुरू से लेकर एंड तक मुहूर्त निकलवाने में लगे रहते हैं, हम कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ की बातें देखते रहते हैं, हम कहीं ना कहीं दिशा और ये दिन और रात इनके पीछे पड़े रहते हैं, जबकि वो लोग जो है केवल और केवल जो है आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं। अगर वो असफलता मिली है तो कहीं ना कहीं कोई कारण, विज्ञान को आगे लेकर चलते हैं, विज्ञान को पूरी तरह से वो बीच में भगवान को आने नहीं देते, और जब वो विज्ञान को बिल्कुल समझ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कभी मतलब इनके भरोसे नहीं रहते। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते, हर देश हर व्यक्ति जो किसी न किसी धर्म को, पंथ को, किसी न किसी पर, ईश्वर गॉड पर विश्वास करता है, अद्वितीय शक्ति पर करता है, करता रहे कोई बात नहीं, और करना भी चाहिए। चलो इंसान है, जब तक जो है किसी न किसी को अगर नहीं सोचेगा तो वो उसके अंदर वो विपरीत परिस्थिति में हिम्मतें कैसे मिलेंगी। लेकिन जो देश आगे बढ़े हैं वो हमेशा जो है किसी भगवान के भरोसे नहीं रहते, कल भविष्य के भरोसे नहीं रहते, वो आज अभी इसी वक्त जो है इसके भरोसे रहते हैं और करने पर यकीन करते हैं। कर्म कीजिए, फल मिलेगा, और अगर फिर असफलता मिली और आपने उसका कारण अपने आप को उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया, वो जिम्मेदारी 100% नहीं ली, तो निश्चित ही आप क्या करेंगे, हो सकता है मेरा वास्तु दोष गलत था,
हो सकता है मुहूर्त से ही नहीं निकला था, हो सकता है पूर्णिमा अमावस्या और कई तरह की ऐसी बातें थीं, तो कहीं ना कहीं जो है हम इन बातों के कारण ही हम जो है पीछे रह जाते हैं। मैं नहीं कहता आप इसको मत मानिए, मैं फिर कहना चाहूँगा बिल्कुल मानिए जो भी मानते रहें, लेकिन कहीं पर भी आपकी सफलता में आपको आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, मैं खुद भी उसमें आता हूँ, हमको आगे बढ़ना है, तो हमें कभी भी जो है इनको बीच में नहीं लाना चाहिए कि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम ये सोचे नहीं नहीं अब हम इसको पता करते हैं बिल्कुल सही करने में, नहीं, आप जुट जाइए, काम कीजिए, साइंस का जो है ध्यान रखिए, और साइंस जो है कभी भी गलत नहीं होता, और अगर साइंस जो है वो प्रयोगों पर आधारित है, सिद्धांतों पर आधारित है, सिद्ध करने पर आधारित है, तो बहुत सी चीज़ें जो सिद्ध हैं उसको कोई फैल भी नहीं कर सकता और वो सत्य हैं। तो इसी तरह से विज्ञान जो है टूट सत्य है, और उस विज्ञान को जो है जो प्रयोग करता है आगे बढ़ता है, और फिर कोई कमी होती है, सफलता मिलती है, त्रुटि मिलती है, फिर उस पर सुधार करते हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिक या विभिन्न जो लोग हैं, इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। तो आप सोचिए हम क्या करते हैं, जीवन भर जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो है कारण को खोजते हैं, उस कारण जबकि अपने अंदर है, कारण खुद हैं। अगर हमें किसी भी तरह से कोई भी काम में असफलता मिली तो आप मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे युवाओं, आप किसी दूसरे की तरफ उंगली मत उठाइए, आप अपनी तरफ उंगली उठाइए, आप 100% जिम्मेदारी ले लीजिए उस असफलता की, 100% जिम्मेदारी ले लीजिए, और उसका कारण किसी भाग्य भगवान या किसी जो है मानने वालों को मत दोष दीजिए। आप करेंगे तो आपको मिलेगा, आपने कुछ ना कुछ गलतियाँ की हैं, कमियाँ की हैं, उसको फिर सुधार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। यदि हमने दोष दिया, आप सोच के देखिए कि आपका वास्तु दोष सही नहीं था इस कारण से आपको असफलता मिली, आपका मुहूर्त सही नहीं था इसलिए आपको असफलता मिली, आपने जो है कोई यज्ञ हवन जो है या जो भी दान पुण्य नहीं कर पाया इसलिए आपको असफलता मिली, तो आपने कारण कहाँ इन चीज़ों पर दिया, या किसी देवी देवता या किसी उनकी जो है कृपा नहीं हुई इसीलिए ऐसा हुआ। तो ऐसे कंडीशन में अब आपको असफलता मिलने पर आपका दोष किसी दूसरों की तरफ हो गया, और जबकि कोई भी ईश्वर किसी भी धर्म पंथ में वो कहते हैं कर्म कीजिए फल मिलेगा, और हमने जो है उनकी तरफ उंगली उठा दी कि आपके इस इन कारणों से मुझे असफलता मिली, फिर वो क्या करते हैं उनको सुधारने में लग जाते हैं, उनको ठीक करने में लग जाते हैं, जबकि अगर वो अपनी तरफ उंगली उठाते हैं कि मैं असफलता मुझे मिली है उसका कोई कारण है, अगर वो विशिष्ट कारण है खुद के ऊपर अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसमें सुधार करेंगे, और जब सुधार करेंगे तो हमेशा ही संभावनाएँ हैं, कोई भी खोज आखिरी खोज नहीं होती, कोई सुधार आखिरी सुधार नहीं होता, आप करते करते आगे बढ़ जाएंगे। तो यही कहना चाहूँगा साथियों अपने सभी लोगों से, और जो इस आज मेरी बात को सुन रहे हैं समझ रहे हैं, आप जो है अगर बात आपको सही लगी हो, सच्ची लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो आपसे बातें कहना चाहता हूँ आप तक पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, और आपको समझ में आई या नहीं आई जो भी है आप ज़रूर बताएँ। तो इसी आशा विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, सभी साथियों को नमस्कार।